6.30 अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 6 और 6 दोनों कितनी होगी 12, तो ये 12 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरीके से 12 मीटर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4 4 के दोनों का डायरेक्ट हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस, इनमें 6 6 के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या निकाल सकते हैं, 3 और 6 के बीच में निकाल सकते हैं, फिर 2 और 50 के बीच में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में 3 और 6 के बीच में निकाल सकते हैं, 3√5 हो जाएगी। फिर लास्ट में 2 और 50 के बीच में इस तरीके से निकाल सकते हैं, 3 और 6 के बीच में निकाली तो इस तरीके से 3√5 हो जाएगी। अब पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में बदलना है, x बराबर पी कॉस फाई हो जाएगा, x बराबर पी कॉस फाई, वाई बराबर पी साइन फाई और z बराबर z हो जाएगा। p बराबर r साइन थीटा, p जो रो है रो बराबर r साइन थीटा, फाई बराबर फाई हो जाएगा और z बराबर r कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कार्टेशियन जो सिलेंड्रिकल दे रखा है वो इस तरीके से हो जाएगा, r थीटा फाई है, p फाई z हो जाएगा। और कार्टेशियन का जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे तो x बराबर r sin थीटा cos फाई हो जाएगा, तो y बराबर r sin थीटा sin फाई हो जाएगा, z बराबर r cos थीटा हो जाएगा। r निकालना है तो x² + y² + z² से निकाल सकते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसके लिए तो ar रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, ar रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। अगर यहाँ पर लगाएंगे हम तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर आउटवर्ड्स आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स आ जाएगी। और इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर डायरेक्शन है वो इस तरीके से आ जाएगी इनवर्ड, तो यहाँ पर दोनों साइड है राइट हैंड रूल लगा देंगे तो फाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ए थीटा डायरेक्शन के अंदर ये फाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए थीटा यदि वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ए थीटा है वर्टिकली टॉप टू बॉटम में दे रखा है, वाई कार्टेशियन वेक्टर से निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ए आर एक्स ए एक्स, वाई ए वाई, जेड ए वाई, x² + y² + z² से। और थीटा कांस्टेंट है ए वाई डायरेक्शन के अंदर, ए फाई डायरेक्शन के अंदर निकाला तो फाई इंक्रीज हो जाएगा, तो ए फाई है इट इज हॉरिजॉन्टली अराउंड दे रखा है, तो ये लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जेड कांस्टेंट और वाई कांस्टेंट अगर दोनों दे रखे हों तो एक्स ए एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई एक्स ए एक्स से इंक्रीज होगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जेड कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट है, ये ए पी है इंक्रीज हो जाएगा, तो y और z के बीच में ये z है वो ओरिजिन पर बनाया हुआ है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो p कांस्टेंट हो जाएगा, फाई है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो z कांस्टेंट देखा गया है, p कांस्टेंट और फाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। आइडेंटिफाई दी फ्लोइंग ज्योमेट्री, अगर जो ये ज्योमेट्री रखी है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बताना है कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है, किस तरीके से बनाई हुई है, तो उनके बारे में बताता है किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है x बराबर 4, ये x y की वैल्यू 0 से 5 वेरी कर रही है और z बराबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है कि ये लाइन का सिंबल है, लाइन ओपन लाइन होगी और फाइनाइट ड्यूरेशन की होगी, क्योंकि 0 से 5 के बीच में फाइनाइट ड्यूरेशन हो रही है और सिंगल वेरिएबल है तो लाइन होगी, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। दूसरा है इसमें भी सिंगल वेरिएबल है तो लाइन होगी, ओपन ओपन होगी लेकिन सेमी फाइनाइट होगी क्योंकि इक्वल टू और रियल के नंबर के अकॉर्डिंग दे रखा है तो इक्वल टू होगी, तो इस तरीके से सिंगल वेरिएबल है तो ओपन होगी लाइन होगी। यहाँ पे भी क्या है आल जेड, यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है लेकिन क्या है यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दे रखा है और पी बराबर 4 दे रखा है, तो लाइन है ओपन है लेकिन इनफाइनाइट होगी क्योंकि 60 डिग्री पर कहीं तक भी जा सकती है लाइन, तो इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है। अगर ये पी बराबर रो बराबर एच दे रखा है फॉर आल फाई जेड बराबर एच दे रखा है तो यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है ये, तो इसके लिए भी लाइन होगी लेकिन रो बराबर एच दे रखा है तो क्लोज्ड होगी क्योंकि जेड है वो क्या दे रखा है हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। तो फाई की जो वैल्यू है यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है 0 से 2π के बीच में होगी, 0 से 2π के बीच में होगी तो इनक्लोज्ड होगा, तो यहाँ पर ये लाइन है लेकिन क्लोज्ड होगी फाइनाइट ड्यूरेशन की। फिर रो बराबर आर बराबर 6 रखा हो फॉर आल थीटा एंड फाई, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है तो क्लोज सरफेस आ जाएगी फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है 0 से 5 के बीच में तो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ओपन लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए तो सरफेस हो गया क्लोज सरफेस फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, तो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए क्लोज सरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल किस तरीके से निकालते हैं। लाइन इज ए वेक्टर, लाइन एक वेक्टर की तरह वर्क करती है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स लेंथ, लाइन के अंदर जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड इक्वल टू इट्स लेंथ
एंड डायरेक्शनल, डायरेक्शन लेंथ इंक्रीज डायरेक्शनल, जो डायरेक्शन लेंथ है वो इंक्रीज डायरेक्शन। तो कार्टेशियन क्या कहता है, डो डेल यानी डी डेल का जो वार होता है डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड, ये कार्टेशियन कार्टेशियन के अंदर आ जाएगा। और सिलेंड्रिकल के अंदर किसे किसको करेंगे, लाइन को डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंगुलर डायरेक्शन के अंदर अगर करनी हमें लेंथ, लेंथ इन दी कर्वेचर, लेंथ बराबर क्या होगी, रेडियस इंटू एंगल होगा, एंगुलर डायरेक्शन के अंदर निकालनी हो। स्फेरिकल में किस तरीके से करते हैं, लाइन को डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई हो जाएगा, तो इस तरीके से ये स्फेरिकल के अंदर हो जाएगी। तो आर साइन थीटा है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, थीटा वन थीटा टू इस तरीके से ड्रा किया गया है, और जेड एक्सिस के अंदर इस तरीके से हो जाएगा। इफ फाई डायरेक्शन ए मूवमेंट एंड लेंथ डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द सरफेस, इन फाई डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट एंड लेंथ डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द सरफेस, आई इंटू ई है वो थीटा डिपेंडेंट है, आई इंटू ई है वो आर कॉस थीटा है। तो कार्टेशियन के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरामीटर है, स्केलिंग फैक्टर रखें एक्स वाई जेड, पी रो फाई जेड है, ये आर थीटा फाई है, यू बी डब्ल्यू सी का रखा है, वन 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 है, वन रो वन है, वन आर आर कॉस साइन थीटा है, एच वन एच टू एच थ्री है, तो इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में इसको जो डी एल डी एल लाइन है उस तरीके से कर सकते हैं, एच वन डी यू ए यू प्लस एच टू डी बी ए बी प्लस एच थ्री डी ओमेगा ए ओमेगा, तो इस तरीके से हम जो जनरल जो लाइन की जो इक्वेशन है वो उस तरीके से दे सकते हैं।